असी गवर्नमेंट टीचर यूनियन पंजाब वालों माननयोग पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी तो मंग करते हैं कि जेडे अध्यापक आ उन्होंने जिहड़ियां तैनातियां आ उन्होंने घर के जिहड़ियां नेड़े होनियां चाहीदियां आ। माननयोग मुख्यमंत्री साहब ने भी यह बयान दिता है जिहड़े अध्यापक आ उन्होंने बदलियां जिहड़ियां उन्होंने घर के नेड़े होनियां चाहीदियां आ। असी इस बयान का स्वागत भी करते हैं और बेनती भी करते हैं कि इस नूं अमली जामा जिहड़ा पहनाया जाए क्योंकि कोठारी कमीशन की रिपोर्ट अनुसार जिहड़े अध्यापक आ उन्होंने जिहड़ी तैनाती है उन्होंने नेड़े घर के स्थान के नेड़े होनी चाहिए तो वधिया तरीके बढ़ा सकता है। और कई चर्चावां इदां दीआं भी आउंदीआं कि जिहड़ी बदली नीति आ पुराणी ऑनलाइन उन्होंने रद्द किया जा सकता। असी मानयोग सिक्ख्या मंत्री तो भी मंग करते हैं मानयोग मुख्यमंत्री तो भी मंग करते हैं कि जिहड़ी ये सिक्ख्या नीति जिहड़ी नवी ये बदली नीति ऑनलाइन आ उन्हों रद्द ना किया जाए उहदे विच कुछ सोधा होने वाली आ क्योंकि ये जिहड़ी बदली नीति बनी सी ये सारे अध्यापकों के हित विच आ और जे सांझा अध्यापक मोर्चा की सहमति नाल ये जिहड़ी नीति बनी सी कुछ सोधा उहदे विच होने वाली आ वो सोधा जिहड़ियां जरूर कर लईआं जाण अध्यापकों के हित विच और जिन्हां अध्यापकों दीआं बदलियां हो गईआं और उन्हां ते बेलोड़ियां शर्तां लगाईआं गईआं आ वो 50% की शर्त हो चाहे सिंगल टीचर वाली शर्त हो शर्त बिल्कुल रद्द होनी चाहिए आ और हर अध्यापक जिन्हों की बदली हो चुकी आ उन्होंने अपने अपने स्टेशन से ज्वाइन करवाना चाहिए आ और नवी बदलिया के वो बिल्कुल ये जी बदली नीति है कायम रहनी चाहिए आ कुछ शर्त अध्यापक मारू जगह रद्द जो करना बनता है जे ये जी नवी बदली नीति है उन्होंने रद्द किया जाता है तो राजसी दखल अंदाजी जी सिक्ख्या विभाग बदूगी और कुछ जगाड़ू टीचर जेडे बदलियां कराने कामयाब रहेंगे। इस करके असं सिक्ख्या मंत्री तो भी मांग करते हैं मानयोग जेडे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नवे बने ने उन्होंने तो भी मांग करते हैं कि सिक्ख्या विभाग के होर भी बहुत सारे मसले आ जेडे अध्यापक जथेबंदियों बैठ के जेडे विचारे जाए उन्होंने हल किया जाए। मैं करनैल फलौर जिला प्रधान गवर्नमेंट टीचर यूनियन पंजाब जिला जलंधर धन्यवाद जय जनता जय शंकर जय तलाड़े लोग। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।